हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता रसोईघर। तो आज बना रही हूँ खजूर की चटनी, जिसे पिन खजूर भी बोलते हैं। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही इजी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं खजूर की चटनी बनाना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक खजूर, जिसे पिन खजूर भी बोलते हैं। इसके मैं बीज निकाल के कट कर लूँगी। आप चाहे तो लंबे स्लाइस में कट कर सकते हैं या फिर मोटे स्लाइस में कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खजूर को कट कर लिया है, लंबे आकार में कट कर लिया खजूर को। इसी तरीके से आपको भी खजूर को कट कर लेना है, ये इजीली कट हो जाते हैं। तो अब इसकी मैं चटनी रेडी करूँगी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई चला दिया है। कढ़ाई फुल हीट गर्म होने के बाद इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें एक चुटकी हींग ऐड करूँगी। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी जीरा एंड सौंफ। इस चटनी में आप जीरा एंड सौंफ का ही फौरन ऐड करें एंड इसे पकने दूंगी। तो यहाँ पे जीरा एंड सौंफ अच्छे से पक गया है। अब इसमें खजूर ऐड कर दूंगी, जो मैंने कट कर लिया था, और इसे मिक्स कर लूंगी। खजूर ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम मीडियम रखें। तो यहाँ मैंने खजूर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप भी सेम इस तरह से खजूर को मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर में खजूर थोड़ी सी गल चुकी है। तो अब इसमें ऐड कर दूंगी काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दूंगी। इसी के साथ मैं व्हाइट सॉल्ट ऐड करूंगी। आप खजूर के हिसाब से नमक ऐड करें। तो यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी एंड जीरा पाउडर। आप खजूर की चटनी जब भी बनाए तो ये सब मसाले जरूर ऐड करें, इससे खजूर की चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने मसाले ऐड कर दिए और इसे मिक्स कर लूंगी। तो आप भी सेम प्रोसेस करें। तो अब इसमें मीठा के अनुसार चीनी ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो चीनी की जगह गुड़ भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि खजूर इजली अच्छे से गल जाए। यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो आप भी सेम प्रोसेस करें। ये चटनी बहुत ही इजीली एंड बहुत ही कम समय में ये चटनी रेडी हो जाती है एंड खाने में बहुत ही टेस्टी होती है खजूर की चटनी। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। लास्ट में ऐड कर दूंगी लेमन जूस। आप चाहे तो इसकी जगह अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि खजूर इजीली अच्छे से गल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर बाद खजूर बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। तो इसे मैं इस तरीके से मिक्स कर लूंगी। आप भी इस तरीके से मिक्स कर ले खजूर को। तो चटनी को हल्का सा गीला ही रहने दें, जैसे मैंने किया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद चटनी ड्राई हो जाएगी। तो इसमें लास्ट में ऐड कर दूंगी किशमिश। आप अपनी मनपसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है। चटनी एकदम बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे आप पराठा, पूरी या फिर रोटी के साथ इंजॉय करें एंड ये बच्चों को रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।